सत्संग की भारी महिमा है। जितनी गाओ उतनी कम है। इस सत्संग से सरल परमात्मा की प्राप्ति का, मनुष्य के मन के निर्मल होने का और कोई उपाय नहीं है। तो हम लोग सत्संग में पहुंचते हैं, समझ लो ये भगवान की प्रत्यक्ष कृपा है। अभागा आदमी सत्संग सुन नहीं सकता, अभागा आदमी सत्संग में पहुंच नहीं सकता, अभागे आदमी को सत्संग जहर जैसा लगता है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप मत, ये सही है तो आप हाथ ऊपर करो नानजी भाई। अगर जो मैं सही कह रहा हूं तो आप हाथ ऊपर करो, ठीक है ना। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुष को यदा वही, कि अनेक जन्मों के पुण्यों के परिपाक से सत्संग मिलता है और सत्संग से मिलता है विवेक। आज का विज्ञान इस बात को सिद्ध कर दिया कि जब महापुरुषों की नजरें हमारी नजरों से मिलती है और हमारी नजरें उनकी नजरों से मिलती है तो शरीर में घटना घटित होती है। क्या होता है कि एक सेकंड में हमारे शरीर में 2,500 से 3,000 की संख्या में प्रति सेकंड श्वेत कण डेवलप होते, एक घन मिलीमीटर ब्लड में, जिन श्वेत कणों के द्वारा हमारे आरोग्य की रक्षा होती है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है और दीर्घ जीवन होता है। वर्तमान शरीर के रोग और भविष्य में आने वाले शारीरिक दुख निवृत्त होते हैं, ये आज का विज्ञान रिसर्च करके सिद्ध किया। इसका मतलब ये कि संत दर्शन एक चिकित्सा के रूप में विकसित हो रहा है, कि जो संत दर्शन नहीं करते और उनके शरीर में जो बीमारी आई, यहाँ बैठे हैं नानजी भाई, न्यू बॉम्बे में रहते हैं, ऐसी बीमारी लगी कि डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और उठना फिरना घूमना चलना मुश्किल, बाथरूम में भी बिना सहायक बिना सपोर्ट बिना किसी के साथ के बिना नहीं जा सकते थे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मरो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मरो, ये सही है तो आप हाथ ऊपर करो नानजी भाई। अगर जो मैं सही कह रहा हूँ तो आप हाथ ऊपर करो, ठीक है ना। इतना शारीरिक वीकनेस और वो इनको था, ये अपने सामने बैठे आगे आगे, आप इनसे पूछ सकते हो और डिटेल। मंत्र मिला, आशीर्वाद मिला, डॉक्टर हैरान है कि ये बच कैसे गए। डॉक्टरों की माने तो ये संसार में आज नहीं होने चाहिए, लेकिन जो काम दवा नहीं कर सकती वो काम महापुरुषों की दुआ कर सकती है। अगर समर्थ संत मिल जाए तो क्या नहीं हो सकता। मानो नया जीवन मिला और ये हम लोगों के सामने बैठे, तो किया हुआ जो सत्कर्म है, की हुई सेवा है, किया हुआ दर्शन है, किया हुआ सत्संग है, वो घोर से घोर विपदा के समय, विपत्ति के समय, संकटों के समय, बीमारी के समय भी वो काम आता है। इसलिए सत्संग की भारी महिमा है। जितनी गाओ उतनी कम है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि कोटि अपराध। और कलयुग में मन से वचन से कर्म से अपराध तो भाई सबसे होते हैं। झूठ कपट बेईमानी है वो आदि, शरीर से मन से
मन में कुविचार कुवृत्तियां आ जाती है। कोई पूछ के दुर्विचार नहीं आते, बिना पूछे आ जाते हैं, पाप हो जाते हैं, झूठ कपट इस कलयुग के वातावरण में तो मानो सहज ही हो गया। पहले झूठ बोलते थे तो पश्चाताप करते थे, चोरी करते थे तो पश्चाताप करते थे, लेकिन आजकल झूठ कपट धोखाधड़ी तो मानो कलयुग में लोगों का स्वभाव ही बन गया। ऐसे वातावरण में शुद्ध होने का सबसे सरल उपाय क्या है? सत्संग। इस सत्संग से सरल परमात्मा की प्राप्ति का, मनुष्य के मन के निर्मल होने का और कोई उपाय नहीं है। तो ऐसा सत्संग दुर्लभ है, फिर भी सुलभ हुआ है। सुलभ होने के बाद फिर इसमें रुचि नहीं होती। चलो आज टाइम नहीं है, कल देखेंगे, समय नहीं निकाल पाते। तो ये भी भगवान की कृपा ही है, जो भगवान सतबुद्धि देते हैं और सत्संग तक जाने की रुचि देते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो हम लोग सत्संग में पहुंचते हैं, समझ लो ये भगवान की प्रत्यक्ष कृपा है। अभागा आदमी सत्संग सुन नहीं सकता, अभागा आदमी सत्संग में पहुंच नहीं सकता, अभागे आदमी को सत्संग जहर जैसा लगता है। जैसे जिसको बुखार आया हो उसको भोजन विष जैसा लगता है, चोर को पुलिस दुश्मन लगती है और पापी आदमी को भगवान का नाम जहर जैसा लगता है। ऐसे ही दुराचारी को, जिसके पाप तगड़े हैं, जो संसार के भोगों में रात दिन लिप्त है, ऐसे व्यक्ति को भी सत्संग विष जैसा लगता है। जिसको पाप रूपी बुखार आ गया, जिसके मन को, उसको सत्संग सुहाता नहीं, और जिसके पुण्य कर्मों का उदय हुआ है, गुरु मंत्र का जाप करके जिसकी बुद्धि निर्मल हुई है, जिसका मन शुद्ध हुआ है, उसको सत्संग अमृत से भी मीठा लगता है, सुहावना लगता है। कई कई काम सामने आए हों वो बाद में, लेकिन वो सत्संग में हजार काम लाख काम छोड़ के भी सत्संग की गंगा में वो स्नान करने का शुभ अवसर प्राप्त कर ही लेता है। सत्संग तो चिंतामणि है। सत्संग प्रयागराज है। प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा है। गंगा, यमुना और गुप्त सरस्वती, ये तीनों जहां मिलती है उस तीर्थ को प्रयागराज कहते हैं। इलाहाबाद में, वहां जैसे कुंभ में साधु संत लोग 2 महीना 2.5 महीना 3 महीना कुंभ में वास करते हैं, हर रोज स्नान करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, और देश विदेश के लाखों करोड़ों लोग 12 साल में एक बार लगने वाले महाकुंभ में जाते हैं। दूसरा अर्धकुंभ भी होता है हर 6 साल में। तो भारत में कुंभ की 4 जगह हैं, हरिद्वार, नासिक, इलाहाबाद और उज्जैन। ये 4 जगहों पे कुंभ लगता है। आप लोगों ने भी कुंभ में स्नान आदि किया होगा, या कुंभ के समाचार आपको भी पता होंगे। बापू जी भी हर कुंभ में 5-25 दिन का सत्संग तो अवश्य देते हैं। लेकिन इस बार हरिद्वार का कुंभ था, वो लकड़ियों की बनाई हुई पुलिया थी और भीड़ बढ़ गई शाही स्नान वाले दिन, और पुलिस ने बंदोबस्त के लिए अपने पुलिस दल और जवान छोड़ दिए और लोगों को रोका कि भाई
धीरे धीरे जाओ या क्रम से जाओ, लेकिन भगदड़ मच गई और एक ही साथ बहुत ज़्यादा लोग पुल पे चढ़ गए। वो पुल जो है टूट गया और गंगा नदी की तेज धार में कई लोग बह गए, कुछ लोग बचे, कुछ लोग मर भी गए। ऐसा मीडिया में भी आया, चैनलों ने भी दिखाया, अखबारों में भी आया, आप सबको पता है। उस कुंभ में फिसल जाने से, नदी में बह जाने से मर जाने का खतरा है। सर्द गर्म माहौल होने के कारण बीमारी होने का खतरा है। गंदगी के कारण महामारी और स्वाइन फ्लू आदि चेपी रोग फैलने का भी खतरा है। बीमारी का भय, ठंड का भय और इतनी भीड़ में माहियों की चैन छिन जाने का, कट जाने का भय और सामान घाट पे रखा हो तो चोरी हो जाने का भय साथ में लगा हुआ है। लेकिन ये सत्संग रूपी प्रयागराज तीर्थ ऐसा है जहाँ न डूब जाने का भय, जहाँ न मर जाने का भय और जहाँ न बीमार होने का भय, यहाँ तो अमरता का संगीत सुनाई देता है और जीव वैकुंठ का सुख। इस मृत्यु लोक में आपाधापी वाली जिंदगी में वैकुंठ का सुख सहज में ही पाने में सफल हो जाता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये परमहंस संहिता है और वेदव्यास भगवान के बेटे, उनके सुपुत्र श्री शुकदेव जी महाराज के श्रीमुख से परीक्षित के कल्याण के लिए, 7 दिनों में उसकी मुक्ति के लिए ये भागवत महापुराण कहा गया। उसके 11वें स्कंध के 14वें अध्याय के 12वें श्लोक में आता है, मय्यर पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः मय्यात्मना सुखम यत्तत् कुतः स्याद् विषयात्मनाम। मुझमें चित्त लगाने वाले और समस्त विषयों की अपेक्षा छोड़ने वाले भक्तों को आत्मस्वरूप मुझसे जो परम सुख और परम आनंद मिलता है, वो सुख विषयासक्त लोगों को कहां से मिल सकता है। कुत्ता हड्डी चबा रहा है और हड्डी चबाते चबाते उसके मसूड़ों में से खून निकल आता है। खून का स्वाद उसको मीठा लगता है। वो बेवकूफ समझता है कि मुझे स्वाद हड्डी में से आ रहा है, लेकिन उस बेवकूफ मूर्ख को पता नहीं कि उसी के खून का वो स्वाद ले रहा है। ठीक उसी प्रकार विषयासक्त संसारिक लोग ऐसा समझते हैं कि हमको सांसारिक भोगों को भोगने में मजा आ रहा है। आहा, लड्डू कितना अच्छा है, बर्फी कितनी अच्छी है, ये समोसा, ये पकौड़ी कितनी अच्छी है, ये सेक्सुअल सुख में कितना आनंद है और ये चलचित्र देखने में, थिएटर में क्या आनंद है, वो तो प्लास्टिक की पट्टियां हैं। और ये जो आनंद आ रहा है वो भी मीठा, अपना ही जीव है और अपना ही मिठास है, उसी में से स्वाद आ रहा है। कुछ लार ज्यादा छूटती है और कुछ स्वाद आता है, समझते कि मजा आया। लेकिन इन भोगों का उपभोग ज्यादा करोगे बिना संयम के, बिना लगाम के, तो रोगी बनोगे बनोगे बनोगे, बिल्कुल पक्का। ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसके पीछे दुख और रोग नहीं। भोगी बन सब पछताते हैं, इसको सब कोई क्या जाने। हम गुरु संदेश सुनाते हैं, इसको सब कोई क्या जाने। तो भोग में रोग छुपा है, संयोग में वियोग छुपा है, लाभ के पीछे हानि छुपी है, लेकिन वह विषयजन्य सुख से मुंह मोड़ के जो भगवान की भक्ति करता है और सत्संग सुनता है और भगवान का नाम लेता है और अंतर का रस पाने में सफल हो जाता है, उसी का जीवन सफल हो जाता है, उसका जीवन योगमय हो जाता है, दिव्य हो जाता है, ओजस्वी हो जाता है।
तो समस्त विषयों की अपेक्षा को छोड़ने वाले भक्तों को ध्यान देना, सुखदेव जी बहुत ऊंची बात कर रहे हैं। कृष्ण उद्धव को बहुत ऊंचा रहस्य समझा रहे हैं कि मुझ में अर्थात हे उद्धव मुझ परमात्मा में और समस्त विषयों की अपेक्षा कि ये मिल जाएगा तब सुख मिलेगा। टू व्हीलर वाला समझता है कि फोर व्हीलर आ जाएगा तो मजा आएगा। फ्लैट में रहने वाला समझता है अब बंगला मिल जाएगा तो मजा आएगा। कुंवारा समझता है कि शादी हो जाएगी फिर मजा आएगा। और शादीशुदा समझता है कि अब जरा बच्चा हो जाएगा तो मजा आएगा। बच्चे वाला समझता है कि बच्चा पढ़ लिख के बड़ा हो जाए और फिर ये हमको कमा के खिलाएगा तब हम निवृत्त होके मजा लेंगे। हकीकत में मजा कहाँ है, सुख कहाँ है, ये तो पता ही नहीं। हर्ष को ही हम सुख मानने की गलती कर बैठे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। सुख क्या है जनाब, आपको पता ही नहीं। सुख किसे कहते हैं, सच्चा आनंद किसे कहते हैं, सच्ची मस्ती किसे कहते हैं, वो तो आप जानते ही नहीं हो। और इंद्रियां विषयों के संसर्ग में आती है और थोड़ा सा हर्ष मिलता है, उसी हर्ष को हम लोग सुख मानने की गलती कर बैठे। हकीकत में सुख और आनंद तो वो महापुरुष लोग अनुभव करते हैं, वो सद्गुरु जानते हैं, वो ब्रह्मवेता जानते हैं। असली सुख किसे कहते हैं, परम सुख किसे कहते हैं, परमानंद किसे कहते हैं। और वो अगर 3 मिनट के लिए भी तुम चख लो तो निहाल हो जाओगे। अरे उनकी नजरें पड़ती और उनकी अमृतवाणी सुनते हैं तो भी भीतर जो सुख मिलता है वैसा सुख देवताओं के राजा इंद्र को भी नहीं मिल सकता, ऐसा सुख मिलता। न तत् सुखम सुरेंद्रस्य, वो सुख देवताओं के राजा इंद्र को नहीं। न सुखम चक्रवर्ती नाम, वो चक्रवर्ती राजा को भी सुख नहीं। यत सुखम वीतरागस्य मुनेर एकांतवासिन, जो सुख महात्माओं को मिलता है। स्वामी रामतीर्थ अमेरिका गए और वहां एक वहां की जानी मानी फेमस एक्ट्रेस मिली स्वामी रामतीर्थ से। उसके कपड़े सुंदर थे, गहने सुंदर थे, बाल सुंदर थे और उसने जो मेकअप किया था उससे तो और सुंदर लग रही थी। आई तो बड़ी नखरे करती हुई हंसती खेलती आई, लोगों को लगा देखो कितनी खुश है। रामतीर्थ से कहा कि सब लोग नहीं सुने इस ढंग से, मेरे को थोड़ी देर अकेले में बात करनी है। रामतीर्थ सत्संग पूरा हुआ और थोड़े से साइड में गए और जो साइड में गए वो एक्ट्रेस आई और देखते ही देखते लोगों ने देखा कि वो साड़ी के पालों से अपना आंसू पोंछ रही है। पहले देख रहे थे तो इतनी खुश थी, हंस रही थी, अब उनको हंसने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। जयराम जी की बाहर से वो मेकअप किया हुआ है, अच्छे कपड़े सुंदर कपड़े हैं, गोरा चमड़ा है, सुंदर गहने हैं, सुंदर बाल हैं, ये सब तो सुंदर है लेकिन उसका मन तो सुंदर नहीं है। उसकी बुद्धि में और मन में तो सुंदर परमात्मा का सुख नहीं है, वो तो संसार के दुखों से दुखी है और रोती जा रही है। मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये है। वो अपने प्रॉब्लम स्वामी जी को सुना रही थी कि इस प्रॉब्लम को, इन प्रॉब्लमों से छूटने का कोई रास्ता बताओ। दुख पड़े तो संत शरण जाइए, वो दुख पैसा खर्चने से भी नहीं मिट सकता, वो दुख रुपयों में पैसों में गहनों में गाड़ी में महलों में और न जाने क्या क्या दुख निवृत्ति के उपाय कर लो, लेकिन जो दुख नहीं मिट सकता
वो दुख संतों के संग से मिट जाता है। संतों का संग तो भवरोग की राम बाण दवा है। तो ऐसे महापुरुषों का जो संग करते हैं और सत्संग सुनते, सत्संग का जो त्याग नहीं करते, उनको वो सुख का द्वार खोलने में महापुरुषों का आशीर्वाद सहयोगी होता है। गीता का 5वें अध्याय का 22वां श्लोक कहता है, यही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नय एवते आद्यंत वंत कौन्तेय न तेषु रमते बुद्ध। कि जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग हैं, वे आदि अंत वाले और दुख के ही कारण हैं। विवेकशील मनुष्य उनमें नहीं रमते। भोग मतलब प्रकृति जन्य प्राणी पदार्थ और परिस्थितियां और अवस्थाएं आदि, और उनसे किसी भी प्रकृति जन्य करण के द्वारा सुख की अनुभूति होना, इसी को भोग कहते हैं। जैसे कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन विषयों से इंद्रियों का राग पूर्वक संबंध होने पर जो सुख मिलता है वो भोग है। भोग जो है आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं, जड़ हैं, विकारी हैं, आदि अंत वाले हैं। लेकिन जो स्वयं है हम आत्मा, वो जन्म के समय जो थे, माता के गर्भ में थे तब जो थे, जब पढ़ाई करते थे स्कूल जाते थे तब जो आप थे, शादी हुई उस समय जो थे वही अभी हैं, और ये शरीर नहीं रहेगा तब भी आप वही रहोगे। उस आत्म स्वरूप का जिसको बोध हुआ गुरु की कृपा से, महापुरुषों की अनुकंपा से, जिसने अपने निज स्वरूप को जान लिया, उसको जो आनंद मिलता है उसका कहां तक हम बयान करें। स्वर्ग में सोने का पलंग लगा हो, पूर्णिमा की रात हो, रेशम की चद्दर लगी हो, फूल उसके ऊपर बिछाए हुए हो, और सबसे सुंदर स्वर्ग की अप्सरा आकर गले लगे, तो भी वो निर्दोष और निर्विकारी सुख, वो निश्चिंत सुख, वो निर्भीक सुख नहीं मिल सकता जो सुख सत्संग से मिलता है। आप बड़े भाग्यशाली हैं जो आप सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं।